हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल विद माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ आवेदन फ्रॉम एवन कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। तो बेटा देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गुडविल चैप्टर में एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन करना सीखा था। सिंपल तरह के क्वेश्चन किए थे और दो एडजस्टमेंट मैंने बताए थे, जो कि थे एबनॉर्मल लॉस और दूसरा था एबनॉर्मल गेन। तो दो एडजस्टमेंट तो हम लोगों ने देख लिए थे, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। कोई ऐसा बच्चा जो पहली बार आया चैनल पे, उसको मैं बता दूँ, पहले जाए, पहले इसकी फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तब उसको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज इसको समझ में नहीं आएगा। और ऐसे बच्चे जो पहली बार आए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस चैनल पर अकाउंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा सिलेबस ISC के अकॉर्डिंग स्पेशली कराया जाता है। बाकी स्टेट बोर्ड और CBSE वाले भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के एडजस्टमेंट में। हम चार एडजस्टमेंट देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर अंडर वैल्यूएशन, और फिर अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन इन ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल। फर्स्ट सेकेंड देखना है तो जाके प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको जाके अच्छे से देख लो, ठीक है। अब देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? क्या ये एक्सपेंडिचर तो समझते हो, यानी कि खर्चा। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा जी, दूसरा वाला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब एक चीज़ को ध्यान समझना, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्चे होते हैं जो कि फिक्स एसेट पर होते हैं। किस पर होते हैं बेटा? फिक्स एसेट पर होते हैं। और जो फिक्स एसेट खुद खरीदते हैं, वो सब चीज़ें किस में जाती है? हमारी एसेट किस में जाती है? बैलेंस शीट में। कहाँ जाती है? यहीं पर लिखो, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में, ठीक है, कहाँ जाती है बेटा? बैलेंस शीट में। अब दूसरा वाला क्या हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? जो हमारे रोज़मर्रे के खर्चे होते हैं, जो बिजनेस क्लास 11 में पढ़ के आए हो, फाइनल अकाउंट्स में, है ना। तो जो हमारे डेली बेसिस खर्चे, कैरेज हो गया, रेंट दे दिया, सैलरी दे दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, है ना, डेप्रिसिएशन हो गया, जो बार बार होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस में जाता है बेटा? हमारा P&L अकाउंट में, ठीक है। ये हमारा क्या है? खर्चा है। P&L अकाउंट में जितनी चीज़ें हमारी कहाँ जाती है, वो हमारी खर्चे हैं, ठीक है, अब समझना बात को। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो हमारा क्या? एसेट है। और उसमें जो भी खर्चा होता है, जो सामान खरीदते हैं, हमारी किस में जाती है? एसेट्स में जाती है, यानी कि उसको हम बैलेंस शीट में बेचते हैं, ठीक है। तो अब गलती क्या होती है? देखो, कभी कभी होता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता क्या क्या है? देखो, जैसे आपने फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, आपने मशीनरी खरीद ली, ठीक है, ये सारी चीज़ें खरीद, बिल्डिंग खरीद ली, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? जैसे मान लो आपने रेंट पेड किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस समझते हो, ट्रैवलिंग का कोई खर्चा हो गया, फिर आप या मान लो आपने सैलरी पेड करी किसी को। अब ये सारी चीज़ें क्या है हमारे? ये हमारे P&L में जाते हैं, हमारे क्या रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर लेके इसमें जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें। तो अब गलती क्या होती है सर? तो साफ सब लिखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये बोल रहे हैं ऐसा कोई भी खर्चा, ऐसा कोई भी खर्चा जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का था, जो कि बैलेंस शीट में जाना था, बट मैंने क्या किया उसको? गलती से P&L लिख दिया। भाई वही वाली बात है कि यहाँ पर फर्नीचर मुझे लिखना था, फर्नीचर मैंने बेचा 2000 रुपये का, मतलब ख़रीदा, इसको मुझे लिखना था बैलेंस शीट में, बट गलती मैंने क्या करी, उसको फर्नीचर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? मैंने फर्नीचर की लिख दिया रेंट पेड 2000। मिस्टेक समझ में आ रही है? तो मतलब कहने का कि ऐसा खर्चा, मतलब ऐसी चीज़ जो मुझे फर्नीचर को बैलेंस शीट में लिखना था, बट मैंने बाय मिस्टेक उसको P&L अकाउंट में लिख दिया, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको सही कैसे करेंगे? तो समझो बात को, ये मेरा खर्चा है और ये मेरा क्या बैलेंस शीट है। तो देख, सिंपल सी बात समझो पहले वाले में, कि मान लो फर्नीचर मैंने खरीदा 2000 रुपये का, बट गलती मुझसे क्या हुई, मैंने उसको रेंट पेड में लिख दिया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर ला, मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया। सही करने के लिए क्या करोगे भाई? देखो, अगर मान लो आपने कोई भी फर्नीचर को रेंट पेड में दिखा रखा है, यानी कि आपने अपने खर्चे को क्या कर रखा है? खर्चे को बढ़ा रखा है। और जब खर्चे को बढ़ा रखा है, तो आपने अपने प्रॉफिट को कम करके रखा है। ध्यान समझना भाई, ये तो मेरा खर्चा था ही नहीं, फर्नीचर खरीदा था ना, ये तो बैलेंस शीट में जाना था, बट गलती से मैंने क्या किया, मैंने उसको रेंट पेड में लिख दिया, यानी कि मैंने अपने खर्चे को बढ़ा दिया। अगर मैंने अपने खर्चे को बढ़ा दिया, अगर मैंने अपने एक्सपेंस को बढ़ा दिया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई मेरा एक्सपेंस 1000 रुपये का था, बट गलती से मैंने ये 2000 रुपये और बिना वजह का खर्चा कर दिया,
जो कि मेरा था ही नहीं एक्चुअल में, ये तो रेंट देना ही नहीं था, ये फर्नीचर था, बट गलती से मैंने कर दिया, यानी कि मेरे एक्सपेंस क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, 1,000 की जगह 3,000 हो गए, और एक्सपेंस ज़्यादा होंगे तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो सही करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, ट्रीटमेंट बेटा इसका ये होगा कि अगर आपने कैपिटल वाले को रेवेन्यू में लिखा हुआ है तो पहला काम आप क्या करो, अपने प्रॉफिट को बढ़ाओ, क्या करो प्रॉफिट को बढ़ाओ, यानी कि उसको ऐड करो, क्या करो ऐड करो भाई, जो अमाउंट आपने गलती से फर्नीचर वाली रेंट में लिख दी थी ना, तो उसको क्या करो गलती से सही करो, ऐड करो कितना जो भी आपका था, लिख देना ऐड 2000 यहाँ पर लिख देना कि रेवेन्यू टू कैपिटल, मतलब हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, गलती से लिखा था तो सही करने के लिए रेवेन्यू टू कैपिटल 2000 रुपये लिख दिया। जो टेबल बनाओगे ना तो टेबल में से लिखा जाता है, यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल गेन लिख रहे थे तो वहाँ पर क्या लिख दोगे, रेवेन्यू टू कैपिटल, रेवेन्यू से कैपिटल में सही कर रहे हो, जो मिस्टेक हुई थी उसको हमने 2000 रुपये ऐड कर दिया, सिंपल ठीक। तो अगर आपने गलती से कैपिटल वाला रेवेन्यू में लिख दिया तो क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे, फिर से सही हो जाएगा भाई, खर्चा नहीं था मेरा, बिना वजह खर्चा बढ़ा हुआ था तो खर्चे को सही करा था, जितना खर्चा था उसको ऐड कर दिया, समझ में आई बात। इसके बाद दूसरी चीज़ एक होती है, इस पर लगेगा डेप्रिसिएशन, क्या लगेगा डेप्रिसिएशन भाई, अभी तो आपने इसको एसेट कंसिडर नहीं किया। एक चीज़ बताओ, जितनी भी एसेट होती है, चाहे फर्नीचर हो, चाहे मशीन हो, चाहे बिल्डिंग है, सब पे क्या लगता है, इन सब पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, हाँ कि ना बोलो जल्दी से, लगता है ना डेप्रिसिएशन, लगता है। अभी तो आपने उसको एसेट कंसीडर ही नहीं किया था, आपने तो गलती से फर्नीचर को रेंट समझ लिया था तो उस पर डेप्रिसिएशन तो लगाया ही नहीं होगा। अब जब आप सही कर रहे हो, रेंट को फर्नीचर में समझ रहे हो ना, रेंट को फर्नीचर समझ रहे हो, तो आपने तो पहले जो खर्चे बढ़ाए तो वो सही करे, लेकिन अब इस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा, जब फर्नीचर एसेट में चला गया, फर्नीचर हमारा एसेट पर चला गया तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, वहाँ पर क्या करोगे डेप्रिसिएशन, क्या करोगे डेप्रिसिएशन को लेस करोगे, जो कि आपके प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। दो काम करना है सिंपल, अगर आपने कैपिटल वाले को रेवेन्यू में लिख दिया, जितनी गलती कितना अमाउंट आपने लिख दिया उसको क्या करो ऐड कर दो, और उसके बाद उस पर क्या क्या लगा दो, जो भी अमाउंट है उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो जितने महीने का होगा, जब क्वेश्चन करोगे तो और क्लैरिटी मिल पाएगी, ठीक है। ये तरीका था, जो मेथड आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो एकदम सिंपल है, एक बार और देखना अच्छे समझ में आएगा। बाकी अगर रटने पे आओ तो एकदम सिंपल, आप कह सकते हो भाई अगर कैपिटल वाला रेवेन्यू में लिखा है, अगर फर्नीचर को रेंट में आपको लिखा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद क्या करोगे उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो, लेस कर दो, काम खत्म हो गया, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन रटना नहीं है, हमें रटना नहीं है, इसीलिए मैंने इतना टाइम लगाया नहीं, मैं इस बात को सिंपल बोल सकता था कि भैया जो कैपिटल वाला है उसको रेवेन्यू में अगर लिखा है तो ऐड कर देना और डेप्रिसिएशन लेस कर देना, काम खत्म, रट के नंबर तो पूरे मिल जाएंगे। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें समझना है, रटना नहीं है, समझ में आई बात, क्लियर, इसको नोट किया। अब आगे देखो, अब आगे है, मान लो आपने फोर्थ वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, गलती से आपने क्या किया, रेवेन्यू वाला कैपिटल में लिख दिया, यानी कि रेंट पेड को फर्नीचर में दिखा दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस को मशीनरी में दिखा दिया, तब क्या ट्रीटमेंट होगा, देखो समझना। ये तो आपका हो गया किसका, कैपिटल टू रेवेन्यू, अगर कैपिटल था आपने उसको रेवेन्यू दिखा दिया। अब यहाँ पर देखो, रेवेन्यू टू कैपिटल मतलब ये बोल रहे हैं, देखो ऐसा कोई खर्चा जो कि रेवेन्यू नेचर का था, मैंने उसको कैपिटल में दिखा दिया, यानी कि मैंने अपने खर्चे को कम करके रखा, उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब देखो भाई, मुझे मैंने क्या किया, मुझे रेंट देना था, रेंट पे करना था 5000 रुपीज़, ठीक है, ये मेरा खर्चा था, ये मेरा क्या था, खर्चा था, यानी कि एक्सपेंस था, बट मैं इसको लिखना भूल गया, इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, रेंट की जगह पर मैंने फर्नीचर लिख दिया, क्या करा मैंने, फर्नीचर लिख दिया 5000 का, और ये कहाँ चला गया, बैलेंस शीट में चला गया, यानी कि मैंने अपने खर्चे को कम रखा हुआ है, यानी कि मैंने अपने खर्चे को कम करके रखा हुआ है। अगर मैंने अपने खर्चे को कम किया है, यानी कि मैंने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, अगर मैंने अपने खर्चे को कम किया तो प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, और जब खर्चे को ज़्यादा करा था प्रॉफिट को कम किया हुआ था, समझ में, इसका उल्टा है, तो प्रॉफिट को ज़्यादा किया हुआ है, ट्रीटमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेस करोगे, क्या करोगे लेस करोगे, जितना अमाउंट था उसको क्या लेस 5000 ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है, लेस करोगे, यानी कि प्रॉफिट को आप क्या करोगे अपने कम करोगे। अब दूसरी चीज़ क्या करोगे भाई, अब जब दूसरी चीज़ अगर वो एसेट था, ठीक है, आपका क्या था, रेंट था, आपने फर्नीचर में लिखा हुआ था तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा रखा होगा, भाई जाहिर सी बात है, रेंट लिखना था, मैंने फर्नीचर लिख दिया, अगर मैंने फर्नीचर लिख दिया तो फर्नीचर पर मैंने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर वाले अमाउंट को
डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट को ऐड करेंगे, ऐड डेप्रिसिएशन, क्या करोगे ऐड डेप्रिसिएशन, समझ में आया। इसका उल्टा कैपिटल से रेवेन्यू, अगर कोई चीज़ कैपिटल नेचर की थी आपने रेवेन्यू में लिख दिया तो प्रॉफिट को आप क्या करोगे बढ़ाओगे यानी कि ऐड करोगे और डेप्रिसिएशन को लेस करोगे। लेकिन अगर आप रेवेन्यू से कैपिटल में जा रहे हो तब आप क्या करोगे प्रॉफिट को बढ़ाओगे, सॉरी प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा तो प्रॉफिट को कम करोगे और डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे। इस चीज़ को नोट कर लो, सिंपल चाहो तो आप इतना समझ जाओ आपका काम खत्म, लेकिन थोड़ा सा तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, इसीलिए इतना टाइम लगा। ठीक है, जल्दी से पहले इसका स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लिए बेटा, रफ करूँ, रफ कर दिया जाए कि नहीं। ठीक है चलो, तो एक काम करो, अभी मैं अंडर वैल्यूएशन और ये ओवर वैल्यूएशन नहीं बता रहा हूँ, वीडियो आएगी कल आएगी आपकी, बहुत बहुत जल्दी नहीं है, जून का महीना है, जल्दी मत मचाओ, ईजली करो। ठीक है, करने को तो मैं अभी आपको अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन सब बता के ख़त्म कर दूँ, बट मेरा क्या टारगेट है, मेरा टारगेट है कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेपरेटली अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन समझाऊंगा, उसको समझाने के बाद आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर एक एक टॉपिक अच्छे से समझा तो सेकेंड चैप्टर में भी करेंगे। तो किसी तरह की जल्दी मत मचाना बेटा, पैनिक मत करना, बहुत टाइम है, मैंने गारंटी दी है, यानी कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में मैक्सिमम 15 नवंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, फिर वन शॉट भी कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, सब कुछ मेरे हवाले छोड़ दो, बस जितना बोलूं उतना करते जाओ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो, वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। क्वेश्चंस मैंने भेजे थे, कुछ बच्चे ने भेजे भी थे, जुनैद ने भेजे थे, और भी कुछ बच्चे थे, इंशा थी और फरहान थे, इस तरह के कई बच्चे थे, तो आप लोग भी भेजो, जो डाउट होगा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करूंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को अपनी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जितना सपोर्ट करोगे उतना मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट कर दिया करो, कोई डाउट रहा करे, नहीं समझ में आए तो भी कमेंट करो, समझ में आए तो भी कमेंट करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।